शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ जी, अपनी माँ जी। सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। आपको नहीं पता मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। के होया बहु रानी, अपनी सास से ऐसे बगलगीर होके मिल रही जैसे सास सत्संग से ना वापस आई हो, अगवा होकर वापस आई हो। मेरा मतलब है कि सासू माँ थोड़ी देर के लिए भी मुझसे दूर होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई है, और हम दोनों का रिश्ता ही इतना अच्छा है ना माँ? अरे हट पीछे, हमारी लाडली हमारी बहन। आप कितना रस गई थी तुझे देखने को, अच्छा लग रहे हो कितना अच्छा है। तन्ने में याद को नहीं, मारे को तो वैसे लग रही है जैसे थोड़ी मोटी हो गई थोड़ी सी हमारी बहन। ये कौन है? है? अरे छोटी हम तो सही सुनिया, इसको तो भूलने की बीमारी हो गई। अरे लाडली हमें ना पहचाना, हम थारी बड़ी बहन धन्नो शन्नो। धन्नो शन्नो, हमें ना पहचान रही। माफ कीजिएगा, वो आपने बिल्कुल सही पहचाना था, अम्मा को भूलने की आदत है। अरे तो क्या हो गया, हमारी लाडली सब कुछ भूल सके लेकिन रसगुल्ले ना भूल सके। हाँ चोरी। हाँ वो हाल ही में मुझे किसी ने रसगुल्ले खिलाए थे। तब बेटे ने खिलाए होंगे छोटू ने। अपनी माँ से इतना प्यार जो करता है। छोरो। ए बावड़ी छोरी, सास के लिए कुछ पकवान हो जाए। हाँ हाँ बताइए ना क्या खाएंगे आप। मारे से क्या पूछ रही है, मालकिन तो यो है ना? हाँ हाँ यही है तो पूछ फिर। अब बताइए ना माँ जी क्या खाएंगे आप। हाँ क्या खाओगी अम्मा? अरे बोल बोल, जो खाना दिल खोल के बोल। पूरी भाजी, जो हमारी जलेबी, रसगुल्ला, खीर, श्रीखंड और पिज्जा, उत्तप्पा। जल्द सावित्री जी को उनकी इज्जत और हक वापस दिलवा कर रहेंगे। कुछ भी कहो मैडम सर, मजो आ गया। करिश्मा सिंह हम अंदर आ गए हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ ना मैडम सर कि जैसे के साथ एकदम तैसा हुआ है। इंसाफ मिला है एक उम्र दराज दुखियारी औरत को। मन को ना एकदम शांति मिल गया मैडम सर, एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई है। आप ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह, काश हमारे देश का हर बुजुर्ग इतने ही चैन और सुकून से जी पाता, पर अफसोस कुछ मतलबी लोगों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता।
रसगुल्ला किसने दिया था? याद आया, याद आया। खैर, फिलहाल हमें फोकस करना है सावित्री जी पर और इस मकसद को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद है सावित्री जी के बेटा और बहू के दिल में अपनी माँ के लिए फिर से वो प्यार और इज्जत जगाना, जो कि हमें लगता है कि कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये घर अब भी अजय के नाम है और वो कभी भी सावित्री जी को अपने घर से बाहर निकाल सकता है। मैडम सर, जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ है ना, तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा नियत वालों के साथ ना भगवान एकदम साथ चलता है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। आप देखिएगा आगे भी बहुत अच्छा होगा। याद आया हमने आप दोनों तो पुलिस हो। छोटू, ए छोटू, 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 ए छोटू, माँ, छोटू, 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 याद आया, वो पुलिस है। पुलिस कौन? वो दोनों अंदर, मुझे याद आया। आओ आओ आओ, मैं दिखा दियो। आओ आओ, देखो क्या कह रही थी अम्मा, ये दोनों पुलिस हैं। कौन पुलिस? अरे अम्मा, आप ही तो कह रही थी कि ये लोग पुलिस हैं। हाँ पुलिस है, है? लेकिन मैं नहीं, यो पुलिस है। मैं और छुटकी तो चोर बनते थे, घड़ों मजे किए बचपन में, और यो पुलिस बनकर ना हमको पकड़ती थी। चलो कुछ तो याद है छुटकी को। या अम्मा तुम भी, मेरा मतलब चलो चलो आपको याद आ गया ना, अब ठीक है। लेकिन अब रात बहुत हो गई है तो भी सोते हैं, बाकी बातें कल। ठीक है, जा आओ अम्मा। जा छुटकी, सो जा, जा जा आराम से सोना। हाँ बाल बाल बच गए। सही में मैडम सर, अम्मा। अरे नहीं, हम तुमसे यही बोलना, ऐसे ही फोन कर लिए थे हम। हाँ, हम तुमसे एक बात बोलना चाह रहे थे। बात ये बोलना चाह रहे थे कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और आई लव यू। क्या बात कर रही हो अम्मा, तुमको मालूम है ना कि हम नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं हम, नहीं पीते हैं। अरे फिर तुम बोल, पैसा काहे चाहिए होगा हमको? बच्चा जैसे काहे बतियाती हो अम्मा, सब ठीक है ना? मैं ऐसे ही तुमको आई लव यू बोलने के लिए फोन किए थे। गाली काहे दे माँ? अम्मा, हेलो माँ। नहीं ऐसे याद आ रही थी इसलिए फोन की। हाँ वो नहीं, मैं शॉपिंग नहीं कर रही, सैलरी नहीं आ रही, शॉपिंग कहाँ से करूँगी मैं। एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी बोलना था, वो शादी की बात पर भड़क गई थी ना, अब कभी नहीं भड़कूंगी पक्का। नहीं बस शादी नहीं करनी अभी मुझे, बस शादी की बात पर भड़कूंगी कभी नहीं मैं। आई लव यू। अम्मी क्या? माँ। अम्मी, माँ। अम्मी हम कह रहे हैं माँ। माँ की बात तो सुनने दे, माँ की तेरा कौन पे जाऊंगा। अम्मी हम कह रहे थे ना माँ। अच्छा अम्मी, हम घर ही आते हैं माँ। आज नेटवर्क है माँ। अरे अरे, ये क्या चल रहा है सबका? पुष्पा जी, पुष्पा जी, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तो बिल्लू द स्पाई। अरे अजय को कल अपने माँ से बात करते हुए सबने देख लिया, तो उनको महसूस हुआ कि हम भी अपनी अपनी माँ को फोन कर ले, तो वही चल रहा है। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ बिल्लू? तुम क्यों गंगा जमना बहा रहे हो? पुष्पा जी, अपनी माँ का बहुत बुरा बेटा हूँ, मतलब उस अजय से बुरा नहीं हूँ पर हूँ।
भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हाँ? हाँ? मगर एक बात बताओ, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुरे बेटे हो? मैं चोरी करते वक्त मेरी माँ का कभी फोन नहीं उठाया। जब मुझे लगा कि माँ को फोन करना चाहिए तो मैंने अपनी माँ को फोन किया, मेरे फोन उठाते ही माँ जेल चली गई। माँ क्या जेल चली गई? ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम इतने भी बड़े चोर कहाँ हो कि तुम्हारा कोई फोन उठाए और जेल चला जाए। नहीं पुष्पा जी, जैसे मैंने फोन किया माँ मेरी बैंक लूट रही थी। क्या? बिल्लू जी, आप तो सच में खानदानी चोर हो। ऑफ कोर्स, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो स्पाई। मेरी माँ ने मेरा फोन उठाया, मुझसे बातें करती रही, तभी पुलिस ने आकर उसको गिरफ्तार करके जेल ले गई मेरी माँ। हाँ 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 बिल्लू बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अरे वाह, हमें तो आज ही पता चला कि हमारे ये गोलू मोलू टकलू बिल्लू इतना भावुक भी है। चलो भगवान का शुक्र है तुम लोगों को अपनी माँ की अहमियत का एहसास तो हुआ। और एक हमारा लल्ला है, बाहर गांव गया है मगर अपनी अम्मा को फोन करके एक बार हालचाल तक नहीं पूछा। वो तो माँ पे भी डिपेंड करता है, अपनी बेटी को रखती कैसे? हाँ उफ, ये मासूमियत संतु जी। मगर अपनी बीवी से तो रोज बतियाता होगा ना। पुष्पा जी बेटा काम में बिजी रहा होगा इसलिए फोन नहीं किया, फ्री होगा तो फोन कर लेगा। हर कोई लल्ला उस अजय जैसा छल्ला नहीं होता। हाँ बिल्लू, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि हमारा लल्ला वैसा नहीं है। मगर ये सावित्री के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर हमें पक्का यकीन हो गया है कि दुनिया के सारे लल्ला ना एक समय के बाद अपनी माँ को अकेला छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। पुष्पा जी, आप वृद्धाश्रम जाने का सोच रही हैं? बेचारी वहां के बुजुर्ग। हाँ? उफ। खैर वो सब छोड़ो, जीते सुनो, तुम ना हमारे लिए वो एडवांस बुकिंग करा देना वहां पे वृद्धाश्रम में, हम तुमको पैसे दे देंगे। वैसे भी हमने तय कर लिया है कि हम थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट लेंगे, हमने हमारी एफडी भी तुड़वा ली है इसके चक्कर में। पुष्पा जी, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। हाँ पुष्पा जी, इसीलिए कहता हूँ कि आप ये ओल्ड एज पॉलिसी ले लीजिए, ये रहा फॉर्म और यहाँ पे साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म मैं भर दूंगा। कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो तुम ये फॉर्म? हाँ कभी भी जरूरत लग सकती है ना इसीलिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या है ना कि पगिया में हर एक फूल ना मैला नहीं होता, हर एक प्लास्टिक का बैग थैला नहीं होता और हर एक जयवर्धन महिला नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। नहीं नहीं नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। हाँ पता नहीं कब हमारे जिगर का लला बाहुबली का भल्ला बन जाए। हाँ कोई नहीं बता सकता। अरे लेकिन पुष्पा जी क्या है कि... और वैसे भी चीते तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? करिश्मा मैडम ने तुम्हें वकील बनकर सावित्री के घर में बुलाया ना। अरे हाँ लीजिए माँ जी, और पुड़िया लाऊं माँ जी? वाह छोटी, कुछ भी बोलो, तारी बहू खाना घना स्वादिष्ट बनाए, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गया हमारी। अरे बस कितना पूड़िया खिलाओगी अम्मा को? अम्मा बस, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। खान दे, गांव की मिट्टी है सब पचा लेगी। बहुत शक्ति हो गांव की मिट्टी में छोरे। सच कहना, थारे से मिलके, थारे परिवार से मिलके अब हमको संतुष्टि हो गई है कि तू खुश है। बस अब जल्दी से सब कुछ थारे नाम करे और हम जाए अपनी यात्रा पे सिंगापुर। है चट्टी सिंगापुर? सिंगापुर शनि सिंगापुर की बात कर रही होंगी मासी जी, है ना मासी? रे बावड़ी पूछ, सिंगापुर बोलिए जीजी। ये बाल काले थे, काले थे बाल।
बाल मारे काले थे, लेकिन 20 साल पहले बचपन में। बचपन में देखा था ना, बुढ़ापे में ना देखा तो कंफ्यूज हो जाती है छोटी। अरे कौन है अम्मा? गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद। क्या है ना कि हम देशभक्त बहुत बड़े हैं, तो हमारी देशभक्ति कहीं भी कैसे भी निकल आती है। आप भी बोला कीजिए भारत माता की जय। जी जी, घबराओ ना, ये हमारे वकील साहब। हाँ। वो कागज जायदाद के साइन करने के लिए है ना, ला दे पेपर दे। वकील साहब है। पेपर और जल्दी कर। हमारा नाम शशि भूषण शाही है। हम शादी वादी झगड़ा फसाद मैयत मटका सब कुछ करवाते हैं। अब मैयत की सामग्री के लिए भी हमारी एक दुकान है, हम आपको कार्ड दे रहे हैं। रे छोटी, चल जरा बात करनी। क्या हुआ जीजी? वो अम्मा बाबूजी ने कहा था? के क्या था? कोई भी बड़ा काम करने से पहले माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ हाँ, क्या था? चला आशीर्वाद लेकर आए। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा मकसद उन दोनों की लालच का फायदा उठाकर घर सावित्री जी के नाम करना है, लेकिन फिर भी इस सब के लिए हम रजामंद नहीं है। नहीं नहीं मैडम सर, आप देखिए, ये शुरुआती पेपर्स जो है ना, ये हमारे घर के नकली वसीयत है, जिसकी आड़ में हम उससे असली पेपर पर सिग्नेचर ले लेंगे और घर हो जाएगा सावित्री जी के नाम। हमको तो यही अल्टीमेट सोल्यूशन नजर आ रहा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो बात हम ये पेपर्स देखते ही समझ गए थे, लेकिन ये हमारा फाइनल मकसद नहीं है। देखिए, घर के साथ साथ हम चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों के मन में अपनी माँ के लिए फिर से प्यार जागे। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से वो दोनों अपनी माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे? इज्जत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अजय अपनी मर्जी से अपनी माँ के नाम ये घर कर रहा है, और माँ जब तक जीवित है ये घर उन्हीं के नाम रहेगा। और गलती से अजय या उसकी वाइफ ने अपनी माँ को घर से बेघर करने का या फिर वृद्धाश्रम भेजने का बात भी किया ना, तो उनकी माँ उन पर केस कर सकती है। अब आप ये देखिएगा मैडम सर, कैसे ये दौलत के पुजारी ना मंदिर का घंटा लेके सावित्री जी की पूजा करते हैं। क्या है ना, मैं बस टाइम नहीं है। हाँ भाई, मिल गया माँ बाबूजी का आशीर्वाद, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम? यो के हुआ, जब हम अम्मा बाबूजी से डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई। सावित्री की तबीयत खराब हो गई आजकल, अब हमारी अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान कौन रखे अच्छे से? कोई काबिल इंसान होना चाहिए ना। तो मन ने सोचा कि सावित्री की जगह क्यों ना तुम साइन कर दो। मैडम जी, देखिए, जो कुछ भी करना है, जिसका भी सिग्नेचर लेना है, आप थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, खाली टाइम नहीं है हमारे पास। ठंड रख वकील। अब देखो भाई, तुम ठहरे जवान खून, इस उम्र में कहाँ छोटी सब कुछ संभालते बैठेगी। तो लाओ, कर दो साइन। फिर करोगे ना, कोई दिक्कत तो ना है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। ये बात है छोरे, ये बात मारा दिल खुश कर दिया, जल्दी साइन कर दे। पेन लो ये। अरे यार, पैसों के चक्कर में अलग अलग प्रोफेशन ले लो। चलो भाई, जल्दी जल्दी साइन करो, क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। गुड बॉय। अरे भाई, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? जल्दी साइन कर रहा हूँ। गुड बॉय। हो गया। हमने कहा था ना, ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस। हाँ, हम पुलिस हैं।
ये पकड़ो तुम अपने अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये रहे घर के पेपर्स जो हुए सावित्री जी के नाम। ये अच्छा तो अम्मा सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। वाह माजी वाह, क्या चाल चली है आपने। इस मकान को हड़पने के लिए आपने अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। हमारे एंग्री यंग मैन, खबरदार अगर अम्मा को हाथ भी लगाया तो तुमने, और ज्यादा चौधरी बनने का हमारे सामने जरूरत नहीं है। हाथ छोड़। क्यों छोड़ेंगे हम हाथ, हमारी अम्मा है, नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तुमको ट्रेलर दिखाए थे, इस बार पूरी पिक्चर दिखा देंगे, समझ गए तुम। हाथ छोड़ छोटो, हाथ दुख रहा है छोड़। रीता चतुर्वेदी सावित्री जी को ले जाओ। ए बाबू चलो हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हटो पीछे। छोटू हमारा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो बेटा। मुंह का बोला बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ना, हाथ छोड़। करिश्मा सिंह आप क्या कर रही हैं, होश में आइए। ए दोस्त कहीं और जमाइए। करिश्मा सिंह छोड़ो, हाथ छोड़ो, हमारा घर है। हाँ छोड़ो, I'm sorry. हम मर गए क्या? अरे तुमने बंदूक की गोली खाई है अफीम की? तुम्हें हम क्या यमराज दिखाई दे रहे? बंदूक की गोली लगने की वजह से आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई और कोई डोनर भी नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें सॉरी कहना पड़ा। पर डॉक्टर साहब कोई और रास्ता तो होगा। एक रास्ता है, आपके और आपकी माँ का ब्लड ग्रुप तुमसे मैच करता है, लेकिन उनकी सेहत देखते हुए वो आपको किडनी नहीं दे सकते। हाँ एक डोनर है, लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहा है, आप शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिस्टर अजय आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। देखिए लेकिन अब जो हो चुका है उसे हम वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन आप घबराइए मत, हम आपसे वादा करते हैं कि करिश्मा सिंह के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ अजय जी हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। ये करिश्मा जी हैं तो हमारी बहुरानी, मगर उनके गर्म मिजाज की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। क्या बताएं हम आपको। देखिए ये सॉरी वगैरह से काम नहीं चलेगा, अगर ज्यादा देर हो गई तो हमें भी आपको सॉरी कहना पड़ेगा, इनकी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए गोली लगने की वजह से इनकी दोनों किडनियां डैमेज है और इंटरनल ब्लीडिंग भी ज्यादा हो गई। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो इनके जान को खतरा भी हो सकता है। पर डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे? 25 लाख। 25 लाख? इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? छोटू, 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 तू ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब मेरा छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? उसको कुछ नहीं होगा ना? तू क्यों परेशान लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू क्यों रो रही है? मत रो, हम कुछ नहीं होने देंगे छोटू को, हम है ना कुछ नहीं होने देंगे। माजी अगर पैसे नहीं मिले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। छोटू को कुछ नहीं होगा, हम है ना। डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत करना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस हमारे छोटू को ठीक कर दीजिए, हम अपना घर भेज देंगे। अम्मा। हाँ बेटा। हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, बदतमीजी की, सलूकी की, घर से बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि वृद्धाश्रम के लिए भी पता करके आए,
और आज जब ये घर तेरे नाम हो गया है तो तू इस नलायक बेटे के लिए वो बेचना चाहती है। पगले, घर तो तब घर होता है जब उसमें परिवार बसता है। जिस घर में तू ही नहीं छोटू, उस घर का मैं क्या करूं? वो घर तो हमारे लिए बस ईंट और पत्थर का ढांचा है बेटा। उस घर की कोई कीमत नहीं है तेरे सामने छोटू। बस तू ठीक हो जा मेरे बच्चे। सावित्री जी, एक बार फिर सोच लीजिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होने के बाद आपका औलाद फिर से रंग बदल दे, या फिर से आप दर दर की ठोकरें खाएंगी। सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। हमारे बच्चों के सामने हमारे लिए घर कुछ भी नहीं है, और उनकी खुशियों के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन सावित्री जी, इन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी की। पहले धोखे से आपका घर खुद के नाम करवा लिया और फिर आप ही को अपने घर से निकाल दिया। आप अभी तक माँ नहीं बने हो ना बेटा, इसीलिए माँ की ममताई की गहराई आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन माँ बनोगे सब समझ में आ जाएगा। और हमारा क्या है, हम चले जाएंगे वृद्धाश्रम। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ हो। काश वक्त का पहिया घुमाने की क्षमता होती हम में। अतीत में जाकर अपनी सारी गलतियां सुधार लेते। ठीक है, हाँ तो घुमा देते हैं वक्त का पहिया, कर देते हैं समय को थोड़ा पीछे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ अजय, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट तुम्हें जो गोली लगी थी वो नकली थी। देखिए करिश्मा सिंह, हम इस प्लान से सहमत तो नहीं है। मैडम से फिर आप ही बताइए आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा हल है। अरे कुछ ना करना छोटी, अजय सिंह के गोली मार दे। अजय, जब हम छोटे होते हैं तो हर बात के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। उनके बिना एक कदम नहीं उठा पाते। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, चलना फिरना पढ़ना लिखना, कभी डांट कर कभी प्यार से। लेकिन इस सब के बीच भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। माँ बाप का बुढ़ापा उनके दूसरे बचपन की तरह ही होता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ गैस खुला रखकर भूल गई? ये तुम्हारा काम है उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, कभी प्यार से तो कभी डांट के। लेकिन इस सब में उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की जिंदगी का आखिरी पड़ाव आरामदेह और सुखद हो, ये हर औलाद का फर्ज है। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है हसीना जी। हसीना जी, हम आपसे वादा करते हैं, अब से हम माँ जी को वही प्यार, वही सम्मान और वही इज्जत देंगे जो हमें हमारे लिए चाहिए। अब हम अम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और सावित्री जी, आप जिस आत्मविश्वास और रौब के साथ अपने अपने बेटे को घर बेचने के लिए कन्विंस किया, आवाज में वो रौब कहाँ चला जाता है जब बात खुद की हो, खुद की इज्जत की हो, प्रतिष्ठा की हो। आप जानती हैं, आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के तहत एक जुर्म है। आप चाहें तो अपने बेटे से अपनी आर्थिक स्थिरता का हक मांग सकती हैं और वो आपको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन अफसोस, ये बात आम जनता नहीं जानती, और माँ बाप अपने बच्चों के घटिया व्यवहार से डर डर के रहते हैं। सावित्री जी,
खुद का सम्मान करे तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। धन्यवाद। आज आप दोनों की वजह से हमें हमारा परिवार वापस मिल गया, और आज भगवान ने सिर्फ हमें हमारा छोटू ही नहीं, आप जैसी दो होनहार काबिल बेटियां भी दी है। हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखे। अब ये चाय कौन पिएगा? करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। ये केस आपके हौसले और समझदारी की वजह से सॉल्व हुआ है, इसलिए ये चाय आप पीजिए। जब ये पूरा केस मां के सम्मान और प्यार की बात का है तो उस पे सबसे पहला हक सिर्फ आप ही का बनता है। लीजिए लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, पीजिए पुष्पा जी। इस थाने की इतने दिनों बाद पहली चाय अपनी बहू के हाथ से पीजिए। हाँ, वो लल्ला फोन कर रहे थे बार बार, थाने का फोन खराब है, हमको बोले आपको मैसेज देने के लिए। एक बात बताएं पुष्पा जी, आपको हमसे भले ही फोन पे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपका हाल पूछना कभी नहीं भूलते। हमारे लल्ला का फोन आया था, हमें पता था हमारा लल्ला हमें कभी भूल ही नहीं सकता। लाखों में एक है वो। हम जानते हैं आपका लल्ला लाखों में एक है। ये पकड़िए, ये जो आप वृद्ध आश्रम जाने का सोच के बैठी हैं, अपनी एफडी तुड़वा के बैठी हैं ना, उसके लिए। आपको क्या लगता है पुष्पा जी, आपका पीछा हमसे इतनी जल्दी छूट जाएगा? नहीं नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो मेरे नाम करा दो पुष्पा जी। उफ, ये मासूमियत। आप लेती हैं या नहीं? हाँ, और ये दिमाग से ना ये घटिया बात सोच के बैठी है ना आप घर से जाने का, ये निकाल दीजिए बिल्कुल। बहुरानी किसकी है? पुष्पा जी, आपकी बहुरानी गर्म दिमाग है, बात बात पर बवाल कर देती है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। चलिए अच्छा है मैडम सर, कभी तो अच्छा लगे आपको। सिर्फ दिल से, एसएचओ के हिसाब से अब भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। एसएचओ करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। और बताइए करिश्मा सिंह, क्या चल रहा है? सर बस इंतजार चल रहा है कि कब आप हमको टेम्पररी से परमानेंट एसएचओ बना देंगे और हम अपना थाना अपने तरीका से चला पाएंगे। जहां तक हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, बात बात में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, वो क्या कहते हैं ना कि किसी को भी कंटक बजा देना, है ना। हमें जहां तक ऐसा लगता है कि क्या कचौरी है? क्या हुआ सर? नहीं नहीं, यही कह रहा था कि कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। जी सर। हम कह रहे थे कि अपने आप संयम रखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे गुस्सा बहुत कम हो जाता है। एक बार हम खाने पे आएंगे ना,
तो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। अरे भाई जिम्मेदारी बड़ी है, तू जिम्मेदार बनिए ना। चलिए रखते हैं, जय हिंद। कौन है घर का भेदी? कौन है जो यहाँ का सारा खबर वहां पहुंचाता है? कौन करता है हमारा शिकायत? मैडम, हम से हमारा रोमांस नहीं संभलता है मैडम, हम चुगलखोरी कैसे संभालेंगे? ये किसी और का डिपार्टमेंट है, समझिए। संतू, तुम पहुंचाती हो खबर डीएसपी साहब को? मैं? नहीं नहीं मैडम, मैं तो खुद सच के कैसे परेशान रहती हूँ हमेशा, मैं कहाँ चुगली करूंगी। नहीं मैडम, मैडम ये नहीं की होंगी, हम जानते हैं इनको, बहुत अच्छा से जानते हैं। वैसे मैडम हम लोग जो किया होगा वो पकड़ा जाएगा ना मैडम, अभी सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं, हैं? कल आई हैं पुष्पा जी आप? गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। गजब, गजब हो गया, गजब मतलब गजब का बात है कि आप यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई और वहाँ डीएसपी साहब भी कचौड़ियाँ खा रहे थे। इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। हमें ऐसे क्यों लग रहा है पुष्पा जी कि कचौड़ियों के साथ साथ आप खबर भी पहुंचा देती हैं डीएसपी साहब को? शौक से थोड़ी ना गए थे, डीएसपी साहब ने बुलाया था इसलिए गए थे। अब जो पूछा आप बता दिया। हाँ तो इसको चुगली कहते हैं पुष्पा जी, आपको पता है ना। ड्यूटी कहते हैं इसे, डीएसपी साहब है वो, हम सबके सीनियर, अब उनका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना। अब कुछ पूछेंगे तो बताएंगे भी नहीं। फिर भी रख रख रख, नहीं इधर नहीं इधर। वो झूठी हो गई है। क्या झूठ कहा, क्या झूठ कहा, सच्ची तो कहा हमने। अच्छा तो सीनियर तो हम भी है यहाँ पर आपके, और हमारा ऑर्डर फॉलो करना भी आपका ड्यूटी है, इसलिए अब से एक सप्ताह के लिए आप बैठिए अपने घर पर, और जब तक हम अगला ऑर्डर नहीं देते हैं थाने आने का जरूरत नहीं है आपको। आप हमें सस्पेंड कर रही हैं? कर दिया, तत्काल प्रभाव में। क्या? हम हसीना मैडम से बात करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी SHO है, हम भी SHO हैं। जितना उनके ऑर्डर का प्रभाव है ना, उतना ही हमारे ऑर्डर का प्रभाव है। और वैसे भी आपको सस्पेंड करने के लिए ना पुष्पा जी, आपका सीनियर होना काफी है, जो हम बहुत पहले से बने बैठे हैं। चलिए अभी 12:50 का बस मिल जाएगा, उसमें सीनियर सिटीजन का सीट भी मिल जाएगा। चलिए जाइए। सच में जाएं हम? पुष्पा जी चुपचाप सामान समेट कर निकल जाए, नहीं तो हम लोग को भी साथ में निकलना पड़ जाएगा, समझिए प्लीज। कितना नौटंकी करती है मैं। क्या कचौरी लेके? अच्छा कचौरी खाने आते हो थाने में या काम करने आते हो? कचौरी नहीं, काम करने आते हैं मैडम। तो जाके करो ना। हाँ मैडम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ हैं? वो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। अब भी जस्ट तत्काल भोकाल में। क्या, क्यों? मैडम सर एक हफ्ते से रोज रात को 3 बजे हमें उठाती है और अपने पैर दबाती है। इस उम्र में भी एक छुट्टी नहीं ले रही है। इतना समझाए हम उन्हें कि थोड़ा आराम कर ले, एक छुट्टी ले लेने की, नहीं समझ रही तो कर दिए हम सस्पेंड। अब जाएंगी थोड़ा आराम करेंगी ना, तो एकदम फ्रेश होकर वापस आएंगी हम सबको परेशान करने के लिए। ठीक है, अच्छा किया। अरे चुप रहो तुम, तुमको तो शर्म भी नहीं आता चोरी करके हमारे सामने खड़ी हो? No, very bad, very bad. मैं चोरी करूंगी? इसकी शकल देखिए जरा, शकल पे लिखा कितनी बड़ी चोरी। क्या महिमा लगा रखे हो? अरे तुम झगड़ा चल रहा है, जाओ जाओ घर जाओ घर जाओ। और हाँ अगर यहाँ रहना है, झगड़ा देखना है तो बिरयानी खानी पड़ेगी। अभी ये देखने का ना चाय पीना पड़ता है। अरे हमारा साड़ी किसने चुराया? तुमने चुराया। ये लो कंबख्त, और देखो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी साड़ी चुराने की? अरे इसने तो मेरे गैजेट्स चुरा लिए, तुमने मेरी रिस्ट वॉच चुरा ली। सुनिए सुनिए। अरे अरे हम तुम्हारा गैजेट चुराए? हमारा नेकलेस कौन चुराया? तुम चुराई। और ये जो तुमने मेरी पूरी की पूरी वैनिटी किट चुरा ली, उसका कुछ नहीं?
अरे तुम हमारा सेट भी चुराई हो, और जो लिपस्टिक लगाई है ना, ये कैक की लिपस्टिक है हमारी, 2000 रुपए की, और जो बाल में तुम्हारा सीढ़ा है ना, ये भी हमारा है। देख रहे ना मोटी वाली भाभी, यही जीतेंगी, 200 की शर्त ये लो। ये ले रहे 1000 रुपए पकड़, जीतेगी तो नूडल बाल वाली। अरे ये क्या हो रहा है, मत कीजिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हो, क्या क्या रही है, बस करिए आप लोग। अरे दीदी क्या कर रही हैं आप, खबरदार जो एक कदम भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया तो। अभी हमने रोक दिया लेकिन हमको रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे यार पूरा मजा खराब कर दिया, थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे बीच बचाव के लिए? क्या तरीका है एक दूसरे से लड़ने का, यहाँ पर थाना है, हम लोग यहाँ से आकर बात करिए, औरत होकर इस तरह लड़ रहे अच्छा लगता है क्या? ऐसे तो हम चोर भी नहीं लड़ते। बिल्लू नहीं, नहीं क्या हुआ, क्या हो गया आप लोगों के बीच? अरे हमसे काहे पूछ रहे हैं, इससे पूछिए, ई है सारी फसाद की जड़, ई की है सब चोरी, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। हमने किया है सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब जस्ट लुक एट माई फेस, आपको लगता है मेरी जैसी इतनी क्लासिक फीमेल इसके मुंह लगेगी? आई बड़ी क्लासी चोर गई की। देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से चोर कहा ना तो। वरना वरना क्या करेगी तू? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। बस करिए आप लोग, तू मेरा मुंह नोचेगी और मैं तेरी शक्ल देखूंगी चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल? अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं दीदी, ऐसा गलत बात है। तुमने मुझे चुड़ैल बोला? हाँ मैंने तुझे चुड़ैल कहा और मैं तुझे ब्यूटी भी कहूंगी। तुमने खुद का भी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? एक नंबर की मेकअप की पुती हुई दुकान हो तुम। हम पुती हुई दुकान? चुप। एक भी लफ्ज तुम्हारे दोनों के मुंह से निकला तो हवालात में डाल देंगे सीधा, तोपा कहीं की दोनों की दोनों। बैठी बैठी प्लीज जी। अब बताइए मामला क्या है? अरे मामला क्या होना है मैडम जी, अरे चलती है वो चल मुखड़ी सीना हमसे, अरे बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होती हमारी खूबसूरती, हमको मालूम है ना? She's right, she's absolutely right madam, कुर्ती है इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती शीना से इनकी खूबसूरती। देखिए मैडम जलती तो वो मुझसे है, जस्ट लुक एट मी, माय क्लास, माय स्टाइल, माय फैशन सेंस, माय फॉलोअर्स, माय फैंस, शी इज टोटली जेलस ऑफ मी। वही तो मैडम, फैंसला पहले इनके फॉलोअर्स देखकर जल बुनकर कबाब होती रहती है वो। मैडम ये देखिए, ये हमारे सेट्स हैं। हाँ? अरे सेड सेड शेड्स। हाँ हाँ सेड्स, ये देखिए देखिए पूरे 15,000 रुपए के। हम जब दिल्ली गए थे ना, हम वहां से लेकर आए थे पूरे 4 घंटे की बार्गेनिंग के बाद। देखिए देखिए हमारे फोटो में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम। अरे जैसे हम फोटो खींच के फैंसला पे डाले गायब, कहाँ गायब हो गए, कौन किए गायब, कौन किया? अजी और कौन, शीना ने, उसी ने चुराए होंगे इनके शेड्स। हाँ जेलस कहीं की, नर्क में जाएगी देखना। हाँ नर्क में जाएगी सीधा। अरे नर्क में तो उसकी सीट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। Wait, I'll show you. Just see this. Gold plated, 30,000 rupees. Can you guys beat that? I mean, why would I steal hers? का मतलब दीदी? अरे ये उसका क्यों चुराएगी? अरे हाँ मैडम कोई जरूरत ही नहीं है, अरे कोई भी देखकर कह सकता है कि प्लेटेड में कितनी गॉर्जियस, कितनी अमेजिंग दिखती हैं ये। बस यही उस पिंकी की बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ, चुरा लिया इनका प्लेटेड। Exactly. मतलब जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती उससे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है? क्या बात करेंगे मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तो वो शीना है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है? क्या बात करेंगे मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तो वो शीना है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अकेली सी पड़ गई थी बेचारी, इसलिए मॉरल सपोर्ट के लिए चला आया। बहुत ज्यादा दयालु हैं आप। थैंक यू। मतलब आप शीना के पति हैं और आप पिंकी के पति हैं? जी हाँ। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, जाइए अपनी अपनी बीवियों के पास। और ये सारा चोरी का मामला है। अरे पहले तो छोटा छोटा चीज का चोरी होता था, पर कल तो मेरा नेकलेस ही चोरी हो गया और मेरी स्कूटी भी। ठीक है, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी सामान चोरी हुआ है, प्लीज आप अपनी रिपोर्ट में लिखवा दीजिए। हम आपका सामान और चोर दोनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे ढूंढना क्या है मैडम, एक खड़ी है ना चोरनी। हम कह रहे ना किसी ने चोरी की, पकड़ो इसको, ये चोरनी है। इंस्पेक्टर आप इसकी फालतू बातों में मत आइए, आप जरा इसे ना अरेस्ट कीजिए, थर्ड डिग्री दीजिए, अपने आप बक देगी कि कहाँ रखती है चोरी का सामान। अरे चुप, तू चोर, तू चुप कर, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, पता नहीं क्या बोलती रहती है चौल वाली औरत। शांत 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 हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। चीता और संतोष प्लीज इनका रिपोर्ट लिखिए जाकर। इधर आइए, इधर, सॉरी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे आंटी जी यहाँ पे इस तरफ। अरे आंटी किसको बोल रही हो, आंटी दिख रही हो क्या? करिश्मा सिंह, सबसे पहले तफ्तीश की शुरुआत हमें उनके घर से करनी होगी, वहीं पर मिलेगा हमें कोई ना कोई सुराग। मैडम सर आपको जहां जाना है आप वहां जाइए, इस केस को हम अपने तरीका से समझेंगे। जय हिंद। आइए करिश्मा मैडम, सब रेडी है, हमारे बिरादरी के चोर लोग एकदम रेडी है, आप पूछताछ कर सकते हैं। करिश्मा मैडम, द न्यू SHO हैं? उधर है। हाँ एक ही बार पूछेंगे, जवाब दे देना नहीं तो खाना पड़ेगा। मैडम ये बहुत भुक्कड़ है, ऐसे ही खाते रहेंगे का? ए बिल्ले बिल्ले, क्या रे ये भी खाते रहेंगे का? क्या है देखो। कल ही एक घोड़े को थोड़ा सा खिला करना चेक किए, अब तक भाग रहा है, 36 दर्जन लोग उसके पीछे दौड़े हैं उसको पकड़ने के लिए, रुक ही नहीं रहा। ओ भैया चश्मा कहाँ है? चश्मा ये वो घर पे है चश्मा। अरे मैया की सासु, हमने नहीं चुराया कुछ भी, हमने नहीं चुराया। हाँ मैडम, हाँ मैडम, बिल्ले एक मिनट साइड हटना जरा, कुछ नहीं होगा, अरे बहुत आसान, खा चलो। नहीं नहीं मैडम सर, करिश्मा मैडम ने अपना स्टाइल बदला है थोड़ा। बंदे की कसम ने चोरी नहीं की मैडम। मैडम मैडम मम्मी ये सच बोल रहा है, हमारे धंधे में धंधे की कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोलता। छबिल्ला हाँ बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बताओ कि कौन किस में स्पेशलिस्ट है और किसको किस में महारत है। अभी बताते हैं, ये देखो ये है छल्ला, खानदानी चोर है हमारे जैसा, लेकिन हमारा लेवल है ना एकदम अप है, मतलब हम बैंक बैंक लूटते हैं, पर इसका लेवल टुच्चू है, ये रास्ते पे पॉकेट मारता है, लेकिन मास्टरी है मास्टरी। लेकिन अभी क्या है ना, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, वो अब डिजिटल हो गया ना सब, लोग कैश वैश रखते ही नहीं है, इसीलिए मंदा है। और ये मिंटू ऑटोमोबाइल चोर, गाड़ियों के पुर्जे यूं उड़ा लेता है कि गाड़ी को भी नहीं पता चलता कि हमारा क्या क्या उड़ गया है। बहुत बढ़िया बिल्ला बहुत बढ़िया। अब देखो भाई हम अपना स्टाइल यूज करें, इससे पहले तुम अपना स्टाइल यूज करके इनसे कबूल करवा लो कि पिंकी और शीना के यहाँ पे चोरी हुआ है, वो इनमें से किसी ने किया है, और जो भी सामान चुराया है ना वो यहाँ पे इस टेबल पे लाके रख दे, वरना मैया कसम वो हाल करेंगे ना, इनकी पीढ़िया भी एक ही बात बोलेगी। दरोगा जी तो बहुत देखे पर तुम सा नहीं देखा, जानते हो ना? अरे तुम जानते हो तो काहे नहीं बता रहे हो, काहे नहीं मुंह खोल रहे हो, खुला मौत को दावत का, तुमको अच्छा लगेगा अस्पताल का खाना, दो चार महीने तक के लिए खाना। यहाँ का बहुत अच्छा रहते हैं, हम बतिया रहे हैं ना। हाँ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। तो नहीं अच्छा लगे तो बता काहे नहीं दे रहे हो कि पिंकी भाभी का और सीना भाभी का काका चुराए हो, कब कब कहाँ कहाँ कैसे चुराए हो। कौन पिंकी भाभी, कौन सीना भाभी?
पिंकी भाभी और सीना भाभी को नहीं जानते? अभी दिखाते हैं? दिखाते हाँ, ये देखो। ये कौन है दोनों? नहीं जानते ये दोनों कौन? नहीं जानते। हमारे धंधे में मैडम सबके इलाके बटे होते हैं मैडम। अरे बोलना बोलना। हाँ हाँ मैडम, हाँ हाँ बटे होते बटे होते। कोई भी चोर मैडम दूसरे के इलाके में चोरी नहीं करता। अरे बता ना। नहीं नहीं करता। हाँ नहीं करता, नहीं करता। हाँ मैडम, मैडम हम तो आपके पास ही आने वाले थे रिपोर्ट लिखाने के लिए कि हमारे एरिया में चोरी हुआ है, वो ला रहे हैं। हाँ मैडम, सच में मैडम, पकड़िए ना उस चोर को, डंडे मारिए तीन चार। हमारी भी तो इज्जत का सवाल है मैडम, हम चोरों की भी तो इज्जत होती है। देखो भैया, चोरी हुआ है तो मतलब चोर भी है। अब तुम लोगों में से किसी ने नहीं चुराया तो तुम्हारे भाई बंधु होंगे। कोई तो है जो ये चोरियां कर रहा है। कोई बात नहीं, आराम से प्यार से टाइम लेके इत्मीनान से सोच के 5 मिनट में बताओ कि चोर कौन। संतोष शर्मा, अब हमें पिंकी और शीना दोनों के अकाउंट्स दिखाइए। कोई फायदा नहीं है मैडम से, मैंने चेक किया, एकदम खाली है अकाउंट। फैंस्टा अकाउंट्स दिखाइए। ओ सॉरी। हाँ तो भैया, एक ही मिनट बचा है आराम से सोचने के लिए, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि असली चोर कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा मैडम सर? ऑनलाइन। मैडम सर सामान नहीं है, चोर है, ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे आप? मैडम सर ये लोग पके हुए छटे हुए घुटे हुए पुराने पापी हैं। अगर ये लोग नहीं तो इनके भाई बंधु होंगे, खातिरदारी करेंगे ना इनका तो सब खाए पे उगल देंगे ये लोग। उसकी कोई जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह, आप सब जा सकते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि कभी कभी हवाओं के रुख के मिजाज से चिराग जलाना चाहिए। हमेशा हवाओं के गुरूर का आजमाना ठीक बात नहीं। हमने पिंकी और शीना के सोशल मीडिया अकाउंट्स, फैंस्टा अकाउंट, सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। पहली बात कि ये जो कुछ भी खरीदती है ये सीधा ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एक दूसरे के साथ एक स्टूपिड कॉम्पिटिशन के चक्कर में महंगी महंगी चीजें खरीदना, फिर उन्हें खरीदते ही ऑनलाइन पोस्ट करना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोइंग मिले और लाइक्स मिले। लेकिन इस सब के बीच में इन दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये जो भी चोर है इनके अकाउंट्स पर नजर रखे हुए हैं। ये जैसे ही किसी नई चीज के बारे में पोस्ट करती हैं, कुछ दिनों में माल साफ। मतलब डिजिटल चोर। संतोष शर्मा और चीता चतुर्वेदी, इन दोनों के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनकी आईपी एड्रेस को ट्रैक करिए। मान गए मैडम सर, लेकिन लेकिन आप भी कमाल की है ना मैडम सर, मतलब खड़े खड़े सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन कर दी। नहीं चीता, असली चुनौती अब शुरू होती है, घास के ढेर में से सुई ढूंढना, पिंकी और शीना के फॉलोअर्स में से असली चोर को ढूंढना। मैडम सर, ये इनकी आज की एक्टिविटी है, ये नहीं सुधरने वाली है। मूर्ख का दोस्ती जी का जंजाल। करिश्मा सिंह ये भी देखिए कि हमें कम से कम इतना तो पता चला कि अगली कौन सी चीज है जो चोरी होने वाली है। वाओ।
क्या जमाना आ गया। आजकल के चोर मोबाइल में बैठकर सेंध लगा लेते हैं। इल्लू भाई तुम तो खानदानी चोर हो ना। अरे वो कहा खानदान वाला जमाना रहा इकबाल। हम जब चोरी चकारी करते थे तो उसमें मेहनत होती थी, डेडिकेशन होता था, ईमानदारी होती थी। आजकल के चोर लोग लोगों के घर में घुसने के बजाय लोगों के मोबाइल में घुसकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा हुआ हमारे बाबूजी ये सब देखने से पहले स्वर्ग सिधारे, वरना हमारे बाबूजी अरे बिल्लू ऐसे करके कैसे मोबाइल में घुसते। डिजिटल इंडिया में मैडम। हाँ सर। सर हम नहीं जानते वो आर्टिकल कैसे लीक हुआ। हाँ हमने पढ़ा। देखिए मिस मलिक, इस केस पर सबकी निगाहें टिक चुकी हैं। आप एक काम करिए, ये केस साइबर सेल के हवाले कर दीजिए। नहीं नहीं सर, देखिए हमने इस केस के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। हम आज के आज ही इस चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है मिस मलिक, जो भी करना है करिए। हम सब जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगे। अरे यार चटनी। चटनी? नहीं, हमारे सामने जो चटनी पड़ी है ना उसमें मजा नहीं है। अच्छा अच्छा, 24 घंटे का टाइम देता हूँ चटनी के लिए। अरे नहीं, उस चोर को पकड़ने के लिए। अगर 24 घंटे में वो चोर पकड़ा जाता है तो ठीक, नहीं तो ये केस साइबर सेल के हवाले कर दीजिएगा। नहीं सर, उसकी नौबत नहीं आएगी, हम इस चोर को पकड़ लेंगे। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ। हम बोल रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ नाम बोलिए, कौन कौन बोल रहा है? मतलब आपने कहा ना अभी हम बोल रहे हैं, मैं वही पूछ रही हूँ कौन कौन बोल रहे हैं। ऐसे आवाज तो किसी एक ही लग रही, वो भी जानी पहचानी लग रही है। जड़ बुद्धि, हम बोल रहे हैं हम। पुष्पा जी आप बोल रही है तो कब से ये क्या हम बोल रहे हम बोल रहे? आप अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हो कि आप बोलोगे हम बोल रहे और मैं समझ जाऊंगी कि आप बोल रहे हो। बोलिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रही हूँ तो समझ में आएगा। हम काहे के हेड कांस्टेबल संतु, इस हमारी बहू रानी के चक्कर में सस्पेंड होकर घर पे बैठे मक्खियां मार रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ थाने में क्या चल रहा है? वही साइबर चोर वाला केस चल रहा है, उसी को सॉल्व करने में सब लगे। काश हम भी वहाँ होते संतु, बहुत याद आ रही है हमें हमारी ड्यूटी। आप बताइए आप क्या कर रहे हो? जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी मत पूछो संतु, अब क्या बताएं तुम्हें। सुबह उठते ही पहले मलाइका के हाथ की बनी चाय पियो, फिर नाश्ते में क्या बनाना है ये मलाइका को बताओ, फिर नाश्ता करो, फिर दोपहर में खाने में क्या बनाना है ये भी मलाइका को बताओ, और फिर दोपहर का खाना खाओ। पहली बार ऐसा इंसान देखा है जिसको आराम करने में भी इतना तकलीफ है। फिर शाम को उसके हाथ की बनी चाय पियो, उसके बाद फिर फ्रूट सैलेड खाओ, और फिर रात में खाने में क्या बनाना है ये भी बताओ, और फिर रात का खाना खा के। पुष्पा जी एक एक मिनट, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो? ये सब तो आप मलाइका क्या कर रही है वो बता रहे हो। खैर वो सब छोड़ो ना, जरा करिश्मा मैडम को टटोल कर देखो ना कि उनके मन में क्या चल रहा है हमें ड्यूटी पर वापस बुलाने के बारे में। उनको बोल दो कि हमको पहले जब तड़केदार और मसालेदार राजमा चावल मिलेंगे ना उसके बाद हमारा दिमाग चलेगा और फिर सोचेंगे ड्यूटी पर बुलाना है कि नहीं। पूरा मार्केट में ना खाली एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस साइबर वाला चोर कब पकड़ा जाएगा। एक बारी पिंकी भाभी और सीना भाभी वाला चोर पकड़ा जाए ना तो मजा आ जाए मैडम। वैसे क्या लगता है आपको, ये हसीना मैडम का प्लान जो है वर्क करेगा? अब भाई हमको क्या मालूम, हवा में तीर छोड़ा उन्होंने, अब लग भी सकता नहीं भी लग सकता, अब हम क्या बोल सकते हैं। पॉइंट। आइए। पुष्पा जी सुन रही थी वो? पुष्पा जी मैडम सर आ गई, साथ में पिंकी और सीना को भी लाई, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं सुन 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 सुन, फोन कट मत करना, हमें भी तो पता चले वहाँ क्या चल रहा है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही थोड़ा केस से तो जुड़े रहेंगे ना। फोन कट मत करना। हाँ तो हम जाने के मुझे जाना है। अरे हमको जाना है, तुम हटो, खड़ी रहो यहाँ पर दोनों की दोनों। अरे हमको कोई ये बताएगा हम दोनों को क्यों बुलाया यहाँ पर? एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है। अरे इतनी चोरियां हो गई आपके साथ, उसके बाद भी आपका शो ऑफ है कि खत्म नहीं हो रहा। कभी महंगा ब्रेसलेट, कभी पर्स, तो कभी इतना महंगा नेकलेस, उनके फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालती रहती है, इससे तो उस चोर का काम आसान हो गया है। See officer, you don't understand. अगर हम लोग ऐसी पिक्चर हर घंटे नहीं डालेंगे ना
तो ये लोग दम घुटने लगता है, बेचैनी सी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है हम लोगों को, यू सी? अरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है ये। हमारा तो हाथ पांव कांपने लगता है और हमारा वो खाना पीना भूख सब गायब हो जाता है। जी, और आपके इसी एडिक्शन का फायदा उठाता है वो ऑनलाइन चोर, जो बराबर आप दोनों के अकाउंट्स पर नजर रखे हुए। जैसे ही आप कोई नई चीज पोस्ट करती हैं, उसे चुराने के लिए सामान मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये पिंकी चोर नहीं है? अरे चोर तुम है, तुम चोर है, चोर कहीं की। शांत शांत, आप दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। आपके फॉलोअर्स में से कोई चोर है जिसकी नजर फिलहाल आपके इस ब्रेसलेट और आपके इस महंगे नेकलेस पर है, जिसे वो चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए फिलहाल आप यहाँ पर हमारे साथ इस थाने में रहेंगी, हमारी मेहमान बनकर। What? Here? अरे इसके साथ? With this lady, my God. अरे नहीं नहीं। Please cooperate. करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। चलिए उस चोर को पकड़ के लाते हैं। चलना तो पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि तुक्के का तीर है। गलती से लग गया तो फिर कोई होना चाहिए ना वहाँ पे उनको समझाने के लिए कि जो कानून तोड़ता है, जब उसकी खुद की तोड़ाई होती है ना, तो कितना मजा आता है। आइए दीदी आइए। काश हम भी ड्यूटी पर होते तो अच्छा सबक सिखाते उस साइबर चोर को। बदाम भाई। सॉरी मैम। क्या टोपा हो क्या? आंख दिए तो सिर्फ फोन ही देखोगे? वास्तविक दुनिया यहाँ चल रही है भैया। अच्छा हुआ दाग नहीं लगा। अगर हमारी वर्दी पर दाग लग जाता ना, तो फालतू में बवाल हो जाता और ये पूरा दुनिया जानती है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना ना। वरना? वरना क्या हो जाता मैम? बदनाम। अरे मैडम, ये किस खुशी में? कितनी बार समझाएं तुमको कि जो चाय है तुम अपना टेबल पे बैठ के पिलाया करो, या सड़क पे बैठ के नहीं। इस गरीब को मारने से क्या होगा मैम? मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, चीते चीते चतुर्वेदी। हाँ मैडम। डाल इसको हवालात। कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगे। देखिए मैडम। क्या देखिए मैडम? चल फोन दीजिए प्लीज। आप भी दीजिए मैम। अरे प्रभु दीजिए। मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। अरे मैडम अंदर चल। थाना के सामने खड़े होकर पुलिस वाले से पंगा लेते मारेंगे ना। चल भीतर भीतर चल चल भीतर। क्या ये कैदी है? ये कैदी? अरे इस थाने में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम जब चाहो किसी को भी पकड़ कर मेरे बिल्लू निवास में पटक दोगे। अरे मेरी भी एक प्राइवेसी होती है, एक स्पेस होती है। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो। देखो मैं अपना बिल्लू निवास किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। इसको अभी के अभी बाहर निकालो। ए निकल 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 निकल। करिश्मा मैडम बोली है। अरे करिश्मा मैडम बोली तो क्या? क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं, रखो लेकिन कम टाइम के लिए रखो प्लीज। अच्छा एक बात बताना, क्या लगता है आपको कि कौन केस सॉल्व करेगा इस बार, करिश्मा मैडम या हसीना मैडम? संतु जी, संतु जी, पूरा थाना में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ना? कभी कोई था ना कभी होगा, तो आप ही बताइए ना कौन जीतेगा। भगवान पकड़ेगा? नहीं सोच रही हूँ मैं। आप सोचती भी कितना अच्छा है ना। अच्छा अच्छा सोचती है ना संतु जी, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा सोचती है। बताइए ना क्या सोच रही है? यही कि कितने बार इतने अच्छे से हसीना मैडम ने केस सॉल्व किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम कामली हर एक केस को सॉल्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ना हसीना मैडम ही सॉल्व करेगी। वाओ, इतना गहरा सोचने के बाद एकदम नया सोचा।
हमको ऐसा लगता है ना संतोष जी कि इस बार ना शायद करिश्मा मैडम ना वो पकड़ेंगे, हमारा छठा इंद्री बात कर रहा है। एग्री करिश्मा मैडम ही ये केस सॉल्व करेगी। ओ मैडम मैडम फोन नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सो सॉरी, फोन। मैडम सर का ऑर्डर है, आई एम सॉरी। अरे हमारा बात तो सुनिए, हमको बस अपना फॉलोवर्स चेक करना है कि इससे ज्यादा बड़ा है कि नहीं, फिर वापस ले लेना। एक्सक्यूज मी मैम, इवन मी टू भी, मुझे अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स चेक करने हैं, तड़प रहे होंगे ना, कितनी देर से मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, प्लीज मैम, ओनली 2 मिनट्स। बट नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। नो नो मींस नो, NO, दैट्स इट। करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने प्लान किया था, हम इसे जिसका भी आमना सामना उस चोर से होगा वो दूसरे को सिग्नल देगा। और सिग्नल कैसे देना है, जो हम दोनों के पास सीटी है उसे 3 बार बजा के। क्लियर? जी मैडम सर। वो पर इस बात का क्या गारंटी है कि चोर यहाँ आएगा? करिश्मा सिंह, अगर आपने उस चोर का पैटर्न ऑब्जर्व किया होता तो आप ये समझ जाती कि वो फोटो पोस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर चोरी करता है। हमें पूरे यकीन है कि इस बार भी वो यही करेगा। आपके कहने का मतलब है कि चोर सिर्फ चोरी नहीं करता है, उसको चैलेंज देना भी पसंद है। एग्जैक्टली। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी इंसान को थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तो बना ही देती है, उसे चैलेंजेस में मजा आने लगता है। और अब यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें उस चोर तक पहुंचाएगा, पहुंचाएगा भी, उसे फंसाएगा भी। बस आप सीटी संभालिए और वक्त रहते हमें इशारा कर देना। जी मैडम सर। माफ करना मैडम सर, लेकिन इस बार चोर को तो SHO करिश्मा सिंह ही पकड़ेगी। हेलो करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अरे रुको। करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अरे रुको। करिश्मा सिंह, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, कैसे हुआ मैं चोरी करने का? अरे रुको, कहीं के हिम्मत कैसे तुम्हारी, हिम्मत कैसे? अरे रुको, नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, रुको, अरे बाबा रुको, रुको, रुकिए करिश्मा सिंह, रुकिए, मारने से पहले देख लीजिए किसे मार रही हैं। पिंकी का पति है वो। मैं, तुम कहाँ से आए बे? मैडम मैं आपको इतनी देर से रुको 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 बोल रहा हूँ। और अपने घर में कौन चोरों की तरह आता है? तुम हम तो चोरी समझेंगे ना मैडम से। मैडम आपको पता नहीं है कि मेरी बीवी कितनी स्ट्रिक्ट है, उसे घर में लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए छुपते छुपाते खिड़की के रास्ते घर में आ रहा था, लेकिन आपने जो बिना सोचे समझे मुझे जो धोया। एक मिनट करिश्मा सिंह, अगर चोर यहाँ नहीं आया तो कहाँ है? मैडम सर, शीना और पिंकी तो थाने में है, तो कई चोर। चलिए लेट्स गो। लेट्स गो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा थाने में? काम के वक्त कोई काम नहीं आता।
करिश्मा जी प्लीज संभाल के। जाइए मैडम सर। पुष्पा जी आप थाने में हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं मैडम सर, हम तो घर पर हैं। और आपने हमें मोबाइल पे कॉल किया है। अगर आप चाहें तो हम फटाफट 20 मिनट में तैयार होकर आ जाते हैं थाने। नहीं नहीं आप घर पे आराम करिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सुनिए तो थाने। कैसे हुई चोरी? हमने पूछा कैसे हुई चोरी? वो मैडम सर हुआ ये कि मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। ये रख दिया। परफेक्ट। वो हाथ पीछे लाओ ऐसे। ये हाथ? ये ऐसे ऐसे पोजीशन। ऐसे हाँ हाँ लाया। इसको पूरा स्ट्रेच करो। इतना बड़ा धोखा, इतनी स्मार्टली वो लड़का चोरी करके चला गया। उसने जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाया। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। जेल के अंदर गया, इसको हवालात में डाल। कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगे। हमारे जाने का इंतजार किया और फिर अपना काम करके निकल लिया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। थाने में चोरी। सॉरी मैडम सर, आप स्मार्ट हो पर मेरे जितनी नहीं। टीनेज लड़का हमारे थाने आया, हमको बेवकूफ बनाया, हमारे नाक के नीचे से चोरी करके चला गया और हमको पता तक नहीं चला। बताओ आप लोग मौका निकालो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। और तुम दोनों क्या टोपागिरी कर रहे थे उसका का? वो मैडम वो बिल्लू अटका हुआ था। क्या? अभी भी अटका हुआ ही है वैसे। देखिए ना गांठ पड़ा हुआ है अभी भी उसमें। अरे तीते छुड़ाया, 3 घंटे हो गए इसी अवस्था में हूँ। पता नहीं इसी अवस्था में अस्त हो जाऊंगा। अरे चुप रहो ना, आ रहे हैं ना तुम्हारे चक्कर। अगर हम वहां होते ना तो कभी ऐसा नहीं होने देते। हमारे रहते मजा ले जो हवा भी इधर से उधर हो जाए थाने की। पुष्पा जी हाँ, उनको पूछिए तड़केदार राजमा चावल बनाया उन्होंने अभी तक? पुष्पा जी राजमा काट दी। हाँ। अरे जो भी हो पर मैडम जी आपका प्लान तो फेल हो गया ना। आप चोर पकड़ने वाले थे, यहाँ तो चोर थाने में आके चोरी करके चला गया। ऊपर से हमारा कीमती वक्त बर्बाद हुआ वो अलग। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कौन सा कीमती टाइम? अरे कीमती टाइम तो मेरा बर्बाद हुआ है। 4-5 घंटे से मैंने एक भी फोटो अभी तक अपने फैंस स्टार पे डाला ही नहीं है। मेरे फॉलोवर्स, मेरे फैंस कितने निराश हो रहे होंगे, उदास होके बैठे होंगे। जस्ट इमेजिन। अरे 10-12 फॉलोवर्स को फैंस नहीं कहते, और गलती कहते जो कुछ लोगों से हो गया है। ओह गॉड, लुक एट दिस इरिटेटिंग फीमेल, ऑलवेज पुअर विद नंबर्स। मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। इट्स माइन, मेरा, मेरा। चुप, निकलो निकलो, आप घर जाइए यहाँ से। चलिए। अरे मैडम पर हमारा नेकलेस। आप इंस्टा पे देख लीजिएगा आपका नेकलेस। जाइए अभी यहाँ से। जाइए आंटी प्लीज। प्लीज जाइए प्लीज भाभी, प्लीज भाभी। Because of you, just because तुम्हारी वजह से देख लेंगे तुमको। पूरा रात निकल गया संतू, कुछ मिलेगा हमको? हाँ हाँ मिलेगा ना। मैं बदनाम को बोल के चाय मंगवाती हूँ, फ्रेश फील करेंगे। बदनाम सुनो ना संतू, सुनो, चोर के बारे में कुछ मिलेगा हमको? ओह सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। आप ये देखिए मैडम, आधे से ज्यादा फॉलोअर्स नकली है यहाँ। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए फेक फॉलोअर्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सॉरी पैसे फेंकते हैं, फॉलोअर्स खरीदते हैं।
जय हिंद सर। कितने शर्म की बात है मिस मलिक, एक चोर आता है आपके थाने में, घुसता है, चोरी करता है, चोरी करके चला जाता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका दिया है। अरे ये हुआ भी किस थाने में, जिस थाने में दो दो SHO तैनात हो। माफ कीजिए सर, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में ये सब हुआ कोई भी धोखा खा सकता था। वो चोर महज 18-19 साल का एक टीनेज लड़का है, जो किसी भी एंगल से चोर नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम पर्सनली इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने में। मलिक जितना वक्त दिया था हो गया, और अभी केस साइबर सेल को चला जाना चाहिए। जय हिंद। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। उस चोर का मैं ऐसे बारीक 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 खुलिया बताऊंगा कि आप तो मतलब आप तो एकदम प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है। अरे पांचवी कक्षा का बच्चा भी यू फटाक से फोटो बना लेगा, तो आप रेडी है ना? उसकी तो आंखें थी। हाँ नहीं, वो मुझे लगा चोर है ना, तो 3-4 आंखें होंगी, चारों तरफ देखना होता है। इग्नोर इग्नोर, आगे बढ़ते। तो उनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऐसी गोल गोल थी। बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, बी स्पेसिफिक। मैं जो वैसे देखता था ना तो एकदम बड़ी बड़ी, और ऐसे स्माइल करके देखता था ना तो ऐसे छोटी छोटी। और रंग? रंग हल्का गोरा। और एकदम जबरदस्त हैंडसम, चोरों का धूम चोर ऋतिक रोशन। समझ लीजिए मेरे जैसा। मेरे जैसा क्या, मैं ही समझ लीजिए। आगे आगे से इतना ही हैंडसम? अरे मेरा मतलब है हाइट कितनी थी। अच्छा आगे से हाइट मेरी जितनी पकड़ लीजिए। बन गया? हाँ बन गया। हाँ दिखाओ। वाव वेरी फास्ट। ये चोर का स्केच है? हाँ। ये क्या बनाया? हल्का गोरा बोला था। गोरा नहीं, लाल कर देंगे तुम्हारा चट्टान। अब इस पे माला चढ़ जाए ना, उससे पहले तुम कट लो। और तुम अब हम जो हुलिया बता रहे हैं ना वो बना। जी हाँ जी बताइए। आंखें भूरी। हाँ जी। गोल चेहरा। जी हाँ, मैं SHO करिश्मा सिंह, और ये हैं SHO हसीना मलिक जी, महिला थाना लखनऊ। आपने हमें यहाँ पर बुलाया था। जी हाँ जी, मिस्टर शुक्ला से मिलना है। आई एम सॉरी, वो ओ नहीं रहे। नहीं नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया, अब उनकी जगह हम हैं। बंदे को विक्रम कहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप उस साइबर क्राइम केस के सिलसिले में मदद लेने आई थी, राइट? जी यू आर राइट। DSP साहब के ऑर्डर्स हैं कि हम मिलकर इस केस को सॉल्व करें। इनफैक्ट हमें भी ऐसा लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और हम मिलेंगे तो ये केस जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व होगा। ऑर्डर साथ में काम करने का नहीं, बल्कि ये केस अब साइबर सेल को दे दिया है मैडम। विक्रम यार, कम ऑन, चेहरा विक्रम, कम ऑन। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारी आपसे ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये मामला हमारे थाने से रिलेटेड है, इसलिए हम भी ये केस सॉल्व करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी परमिशन हो तो, बाकी DSP साहब से हम बात कर लेंगे। देखिए आप जानते ही है कि एक लड़का अपनी मासूम चेहरा और अपनी उम्र का फायदा उठाकर हमारे थाने में घुसकर, थाने में चोरी कर थाने को दागदार करके चला गया, और उस चोर को पकड़ने के लिए ना हम कुछ भी करेंगे। तो आप कुछ भी करेंगे? कुछ भी। तो ठीक है, आइए खेलते हैं क्रिकेट।
आपको 6 बॉल डालेंगे और अगर आपने एक बॉल पे भी सिक्सर मारा तो हम आपकी बात मान लेंगे। एक बॉल तो क्या, 6 की 6 बॉल मारेंगे और अगर ऐसा हुआ ना तो आपको हमारा साथ देना होगा। मैडम क्रिकेट बोले, क्रिकेट क्रिकेट बॉलिंग बैटिंग सॉरी 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 ये आप नहीं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है मैडम। अब तो बोल दिया हमने, अब आप बताइए कि आपको मंजूर है। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाया तो हम ये केस आपको हैंडओवर कर देंगे। लगता है बहुत भरोसा है आपको खुद पर। करिश्मा सिंह पर, वो जो कहती हैं करके दिखाती हैं। हाँ और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा मैडम अपने वादी की कितनी पक्की है। एसएचओ करिश्मा मैडम अपने वादी की कितनी पक्की है। लेकिन इस सब के बाद आप और हम मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए तो शुरू करते। ऑल द बेस्ट करिश्मा मैडम। करिश्मा सिंह, आप जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी, हमारी और स्थानीय की रेपुटेशन का सवाल है और आपने हमारी किस्मत का फैसला 6 बॉल्स पर छोड़ा है। मैडम सर, हमें खुद पर बहुत भरोसा है। ये केस तो हम इन साइबर छछुंदरों से लेकर ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट। राजीव इसे रिकॉर्ड करना, ये एसपी को भेजेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि महिला पुलिस थाने वाले चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए तो अपनी किस्मत क्रिकेट में आजमाने चले। पर अफसोस है, यहाँ पर भी इनको कुछ मिलेगा नहीं और इनका हार वाला वीडियो पूरा देश देखेगा। Cheers. वाह मैडम वाह वाह, बॉल 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 गया, मैच खत्म मैच खत्म, हम जीत गए। संतु जी बॉल लेकर आ गए और 6 रन था, वो छक्का था। ये लगा 5वां छक्का, ये मैडम मैडम बस अब 1 बॉल है, हम लोग जीत ही गए हैं। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। एक मिनट जस्ट अ सेकंड, लास्ट बॉल हसीना मैडम खेलेगी। उफ मासूमियत संतु जी। जी मैडम साहब, करिश्मा सिंह वो स्लो बॉल डालने वाला है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैप्टन रह चुके हैं, उसकी ग्रिप और रनअप से बता सकते हैं कि वो स्लो बॉल ही डालेगा। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, 5 बॉल खेल लिए ये भी खेल ही लेंगे। बड़ा भयानक वाला स्ट्रेटजी लग रहा है। वक्त आ गया मर्दों को बताने का कि ये खेल सिर्फ उनका नहीं। Come on Vikram, cheer up, come on, okay, yes, yes, Vikram, Vikram, come on, Vikram, yes, come on, cheer up Vikram. ये नो बॉल है जो वीडियो बना रहे हैं वो चेक करके देखिए। बढ़िया, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। बच गए, वाह मैडम, आंख नहीं कैमरा है। थैंक यू हसीना मैडम। बहुत अच्छा खेलिया। थैंक यू मैडम सर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं कि अब आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। मानना पड़ेगा आपको, बहुत बढ़िया खेलिया। ठीक है, कल के काम करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सुबह सुबह हमारी लाडली बहू रानी ने कोई बॉम्ब फोड़ दिया क्या? अरे नहीं पुष्पा जी, आज साइबर डिपार्टमेंट को क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया तो केस सॉल्व करने के लिए और 24 घंटे मिल गए। तो मैडम सर ने सबके लिए चाय मंगाई, लेकिन बदनाम ने इतनी गंदी चाय बनाकर भेजी ना, ना उसमें अदरक था और शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम ही बेकार चाय बनाकर भेजी। ये नालायक बदनाम भी ना, बस एक बार हमें ड्यूटी वापस ज्वाइन करने दे, फिर देखना ऐसी कड़क कड़क बढ़िया सी चाय बनवा के लेंगे बदनाम से। खैर छोड़ो, ये बताओ वहाँ क्या चल रहा है थाने में? पुष्पा जी आपको एक बात बताना भूल गए, आपकी डेस्क पर जो पंखा है ना वो खराब हो गया है। हाँ, और पंखा ना चलने के कारण ऊपर मकड़ी का जाला भी बन गया है। हाँ, ये अलमारी के पीछे वाली मकड़ी होगी, जरूर हमें वहाँ ढूंढने आई होगी कि कहाँ गई हमारी प्यारी पुष्पा जी। देखो संतु देखो, मकड़ी तक याद करे हमें थाने में। यहाँ किसी को और कोई काम धंधा है या पूरा दिन महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बताता रहे पुष्पा जी को? फोन पर भी डराती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आपको कैसे पता चला पुष्पा जी फोन? पिछले जन्म का कनेक्शन है हमारा पुष्पा जी से, जहाँ पे भी होती है ना हमको खबर पड़ जाता है। और तुम हमको एक बात बताओ, इस सरकारी टेबल पे बैठ के तुम्हारा क्या टाइम पास चल रहा है? ये कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास संतु। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी टीम का हर मेंबर अपने काम को लेकर कितना संजीदा है।
टेम्परेरी ही सही, अब आप यहाँ की नई SHO हैं। अपनी टीम को साथ लेकर चलना सीखिए और उसके लिए उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ करना होता है। जी मैडम, सर आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। फिलहाल हमें 24 घंटे का वक्त मिला है साइबर सेल वालों से। 24 घंटा के अंदर अंदर अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो ये केस तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। साथ में वर्दी पर जिंदगी भर का दाग लग जाएगा कि एक टीनेज लड़का था, वो हमारे थाने में आया, चोरी करके चला गया और हम उसको पकड़ नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इनफैक्ट अब हमें उस तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे पास आएगा। वो कैसे मैडम? सर संतोष शर्मा, हमने जो चीजें मंगवाई थी वो आ गई। रेडी है मैडम सर। गुड, तैयार हो जाइए फैंस्टा का नया स्टार बनने के लिए।